यही लाए थे कुछ ऐसे टिप्स जो कि हर लेडीज को पता होने चाहिए ताकि टाइम से पहले हम सभी अपने कामों को खत्म कर सकें, खूब सारी बचत कर पाए और अपने लिए टाइम भी निकाल पाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि रोज की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें रोटी सेकनी होती है और हमारे पास चिमटा ही नहीं होता, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल छोटी सी टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको इस तरह से दो फॉक्स को ले लेना है और फॉक्स को लेने के बाद आपको ऊपर से एक रबर बैंड को इस तरह से लगा देना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए इस तरह से आपका चिमटा कितनी आसानी से बन गया। अब जब भी आपको रोटी सेकनी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिना चिमटे के भी बहुत ही आसानी से रोटी सेक सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, हम किचन में काम करते हैं, खासतौर पर जब हम आटा गूंद रहे होते हैं और हमने अपनी फिंगर में रिंग पहन रखी होती है तो हमें आटा गूंदने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम रिंग को उतार कर रख देते हैं जिससे अक्सर ऐसा होता है कि हम रिंग को पहनना भूल जाते हैं और हमारी रिंग खो जाती है। तो मैं इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल आपके लिए छोटी सी टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको ज्वेलरी वाला एक पर्स लेना है जो कि आप सभी के पास घरों में होता है। इसके बाद आपको एक डबल साइड टेप लेनी है और डबल साइड टेप को आपको पर्स के ऊपर इस तरह से लगा देना है। अब आपको इस पर्स को अपने गैस के पास किचन में एक जगह पर लगा देना है। अब आप जब भी किचन में काम करें तो अपनी रिंग को इस पर्स में डाल दीजिए और जब आपका काम हो जाए तो आप इस पर्स में से रिंग को निकाल कर पहन लीजिए। और फ्रेंड्स इससे एक और फायदा होगा कि पर्स आपकी आंखों के सामने रहेगा और आपको रिंग को पहनना भी याद रहेगा। और अगर आप इसको पहनना भूल भी जाए तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपकी रिंग सेफली पर्स में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स है ना एक कमाल की ट्रिक, आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए और अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स मेरी लास्ट टिप बहुत ही यूजफुल है। हम सभी गैस सिलेंडर को यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि गैस के सिलेंडर में गैस कितनी है और सिलेंडर कितने दिन अभी और चल पाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल एक छोटी सी टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको पानी में कपड़े को गीला कर लेना है और उसके बाद आपको कपड़े को निचोड़कर एक साइड से पोंछना है। आपको पूरा सिलेंडर पोंछने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक साइड से ही सिलेंडर को पोंछ लीजिए। आप देखेंगे कि जहाँ सिलेंडर जल्दी सूख जाएगा वो पोर्शन सिलेंडर का खाली है और सिलेंडर में जहाँ तक गैस होगी वो पोर्शन जल्दी नहीं सूखेगा, वो पोर्शन देर से सूखेगा। यानी फ्रेंड्स आपके सिलेंडर में जहाँ पर गैस नहीं है वो पोर्शन जल्दी सूख जाएगा और जहाँ पर गैस है वो पोर्शन सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे इन ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।